नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बिहार दिवस अब बिहार में ही नहीं बल्कि दुबई में भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की जो कलाकृतियां हैं, बिहार के जो फेमस चीज़ हैं, जैसे कि लिट्टी चोखा हुआ, मधुबनी पेंटिंग है, और यहां का जो खाजा है वो ज़्यादा जो फेमस है, वो अब आपको दुबई में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार दिवस दुबई में 19 मार्च को मनाया जाएगा, जहाँ बिहार के सांसद संजय जायसवाल, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी सम्मेलन में भाग लेंगे। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो दुबई में बिहार दिवस का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मनीष सिन्हा क्या कह रहे हैं। बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार दिवस कॉन्क्लेव हम लोग दुबई में इस बार 19 मार्च को इंडियन कॉन्सुलेट दुबई में मना रहे हैं, और इसमें पूरे विश्व से बिहारी नॉन बिहारी यहाँ पर जुट रहे हैं। बॉलीवुड से लोक गायिका और प्रबुद्ध व्यक्ति, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ओनर्स और बिहार दुबई में रहने वाले लोकल्स, ये सारे लोग उस दिन जुट रहे हैं। और उस दिन बिहार का जो बिहार के बारे में हम लोग ग्लोबल स्टेज पे लोगों को बताएंगे, और एक बिहार के अंदर एक ऐसा माहौल, एक पॉजिटिव न्यूज़ आए कि बिहार के अंदर और इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ के युवाओं को और रोज़गार मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिले। थीम तो हमारा बिहार ही रहेगा, बिहार की जो इतिहास है, आज से कितनी पुरानी इतिहास है, और आज के दिन में हम कैसे ये जो पूरा अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड ओवर, अगर आप देखिएगा दुबई से भी हमारा भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कैसे लिवरेज कर सकते हैं कि और उससे बिहार को फ़ायदा, बाकी स्टेट को फ़ायदा हो रहा है, बाकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट जा रहा है लेकिन बिहार में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको कैसे वहाँ के लोग को यहाँ से जोड़े ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं या यहाँ के लोग दुबई जाकर कैसे वहाँ पर अपने आप को शोकेस कर सकें। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें आपको इकट्ठा कैसे करें? वहाँ के लोग जैसे विकास सिंह आए हुए हैं, दुबई से ही आए हुए हैं, वो वहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, वहाँ पर भी समाज है, बिहार का समाज है काफ़ी, और वहाँ पर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको लेकर। इनफैक्ट हम लोग को अब लग रहा है कि हम लोग का 250-300 का जो सीट था वो कम है, वहाँ पर जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे थे अभी हमको रोकना पड़ा, तो अगली बार शायद हम लोग इससे भी बड़े स्केल में करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फीस वगैरह भी है? कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ से कुछ लोग शामिल होने जा रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पटना से इस बार बहुत संख्या में लोग जा रहे हैं, जो कभी आज तक दुबई नहीं गए या भारत के बाहर भी नहीं गए, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कि बाहर जाके देखें, दुबई में देखें वहाँ पर बिजनेस कैसे होता है, वहाँ के लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें, एक संबंध बने, उनको हम लोग फिर यहाँ बुलाएंगे कि आप आइए पटना देखिए, बिहार देखिए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हमारे चीफ गेस्ट जो जा रहे हैं वो संजय जायसवाल जी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय संजय जायसवाल जी जा रहे हैं। सिंगर वगैरह भी जाएंगे? सिंगर जा रही हैं, देवी जी जा रही हैं, और विकास झा जा रहे हैं, चंदन रॉय जा रहे हैं जो पंचायत फिल्म, ऐसे काफ़ी लोग जा रहे हैं। मनीष सिन्हा नाम हुआ मेरा, कॉन्क्लेव का मैं कन्वीनर हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना कि मनीष सिन्हा ने कहा है कि बिहार की जो चिन्ह है, बिहार के जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे लिट्टी चोखा हो गया जो कि बिहार में बहुत ही फेमस है, लिट्टी चोखा बोलिएगा तो बिहार की याद जरूर आ जाती है, और खाजा हुआ, मधुबनी पेंटिंग की जो चित्र हैं, जो अब देख के लगता है कि बहुत कुछ बयां करती हैं, वो अब दुबई में भी देखने को मिलेगा। यहाँ की सिंगर है देवी, और सांसद संजय जायसवाल है जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी वहाँ भाग लेने पहुँच रहे हैं 19 मार्च को। अगर दुबई में हैं, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अब तक ये जानकारी पहुँच रही है, तो अभी सम्मेलन में भाग लीजिए, शायद बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा। फिलहाल बिहारी होने पर भी गर्व मनाइए, और दुबई में भी है तो बिहार का नाम फहराते रहिए, दंदनाते रहिए, और आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।